क्यों देख रहे हो टुकुर टुकुर? अपनी बहन को उठाओ। मैं कोई मुर्गा नहीं हूँ जो बांग दूंगा और ये उठ जाएगी। अरे तो फिर आराम से शाम को आना था ना, इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रखी थी? जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ यही तो दिक्कत है, तुम्हें तो बस आराम ही सूझता है। तो तुम क्या चाहते हो, इतनी गर्मी के अंदर फावड़ा लेके खेत खोदने चली जाओ? अरे खेत में फावड़ा चलाने लायक फुर्ती नहीं है तुम्हें। ऐसा है, पूरा दिन तुम्हारे घर का काम करती हूँ, जैसे पैर पसारे नहीं बैठी। पैर पसारे नहीं बैठी, सब जानते हैं कितना। भैया, भाभी, भैया आप कब आए? आधा घंटा पहले आए। अरे ये सब छोड़ो, सुशीला क्यों खाया था जहर? भैया गलती से खा लिया। अरे गलती से जहर कौन खाता है? भैया वो ना, उन्होंने ना पनीर पर चूहे मारने का जहर लगा दिया था, तो मैंने। और तूने खा लिया? अरे अरे क्या, पनीर था तो खा लिया। ठीक है सुशीला, देख थोड़ा सा पनीर पड़ा होगा, अपने भाई को भी दे दे थोड़ा सा खाने के लिए। भाभी धीरे बोलो, हॉस्पिटल है ये। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा हम टीवी खरीदने आए हैं, टीवी के शोरूम पे। अरे धीरे बोलो, बगल में मरीज लेटा है। लो सुन लिया ना, और तुम यहाँ इसको सांत्वना देने आई हो कि ताने मारने? मैं नहीं आना चाह रही थी, तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो। मतलब आपको अपनी ननद से कोई मोह ही नहीं है, देख रहे हो भैया? अरे सुशीला पत्थर दिल इंसान से क्या मोह की बात करनी। वाह वाह वाह, बोल कौन रहा है, जैसे खुद तो मोम के बने हो। इंसान मोम का नहीं मिट्टी का बना होता है। भैया वो जरा, हाँ देखो ये नारियल छोड़ो, दवाई होगी, दवाई दो सुशीला की। नारियल पानी पीने में लगे हो ये जब से आई। कहाँ है दवाई, फोन पड़ा हुआ है बस। हाँ भाभी फोन देना जरा, मैंने सोचा जरा इंस्टा पे स्टोरी डाल दूं, ऐसे लेटे हुए कि बस ये सब तो देखना बाकी रह गया था। पहले जहर खाओ, फिर पूरे शहर में डिंडोरा पीटो कि मैंने जहर खा लिया है। अरे तुम उससे तेज आवाज में बात मत करो, उसकी तबीयत खराब है। इसकी तबीयत ही खराब नहीं है, तुम्हारी बहन का दिमाग भी खराब है। भाभी शोर मत मचाओ, मेरे ना सर दर्द हो रहा है। हाँ मैं चली ही जाती हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं तो शोर मचेगा नहीं। टाइम बर्बाद करो। भैया आप अकेले नहीं आ सकते थे क्या, इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? अरे अब चली तो गई, तू भी बिना लड़े नहीं रह पाती है। अच्छा ये बता डॉक्टर कितने बजे आएगा? भैया आने वाले होंगे देखो। अब क्या चाहिए भाभी? बुखार। बुखार? हाँ डॉक्टर ने पूछा बुखार ना अपने को, ले पकड़ और लगा ले अपने मुंह में। साफ है? साफ है, अरे मैं इसको अभी सर्फ से धोकर ना धूप में सुखाकर लेकर आई हूँ। साफ है, लगा ले चुपचाप। भाभी इसे तो बगल में लगाते हैं ना। अब मुझे क्या पता कहाँ लगाते हैं, तू बगल में लगा या लिवर में लगा मुझे नहीं पता, बस डॉक्टर को बता दे कि कितना बुखार है। अच्छा होता नर्स से शादी हो गई होती तो। नहीं नहीं इससे अच्छा ये होता कि मैं एक लौते लड़के से शादी कर लेती, कम से कम ननद के रूप में मुझे नागिन का सामना तो ना करना पड़ता। तो आप कौन सी नेवली से कम हो, हर वक्त मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो, है ना भैया? अरे तुम दोनों हॉस्पिटल का लिहाज तो कर लो जरा। लिहाज? कैसा लिहाज, बाहर पूरा स्टाफ बातें कर रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी की बहन का चक्कर चल रहा है इसीलिए उसने जहर खाया है। किसकी हिम्मत हुई, अभी टांग पे टांग रख के चीर देता हूँ। तुम कोई कारपेंटर हो क्या, जब देखो चीरों फोड़ी की बातें करते रहते हो। अरे मेरे भैया की कोई सरेआम इज्जत उछालेगा तो क्या भैया चुप रहेंगे? वाह 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 वाह, देखो जरा कौन बातें कर रहा है, इज्जत भी तुम्हारी वजह से ही उछल रही है, ना तुम ये जहरीला पनीर खाती और ना ही बाहर बातें होती। आपको क्यों दर्द हो रहा है पनीर का नाम सुन सुन के, मेरे बेचारे भैया को 300 दिन खिचड़ी खिलाती रहती हो। लो मुझे क्यों पेट में दर्द होने लगा, तू जहर पनीर में खा या घी में मिला के। हाँ तुम भी तो यही चाहती हो। मैं जो चाहती हूँ वो तुम दोनों को बता दो ना, तो तुम दोनों बहन भाइयों के मिर्ची लग जाए। तो बोलो ना भाभी क्या बोलना चाहती हो, हम भी तो सुने। अरे क्या होगा बोलने को, वही पापा का बैंक, मायका, अलान फलान यही सब होगा बस। मेरे मायके को छोड़ो, अपनी बहन का ससुराल दुरुस्त करो पहले। क्या कमी है मेरे ससुराल में भाभी? कहाँ से शुरू करूँ, जब जब पैसे की कमी होती है ना तब तब तुम्हें हमारी याद आती है, अभी भी काउंटर पे नीचे ना 55,000 रुपए देकर आ रहे हैं, क्यों जी? हाँ तो वो वापस कर देंगे, एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ सुशीला कोई जरूरत नहीं है पैसा लौटाने की। हाँ हाँ मत लेना पैसे, और मैं तो कहती हूँ जो बचा कुछ है ना वो भी बेच बाच के इसी को दे दो। हाँ हाँ दे दूंगा जब तुमसे नहीं संभलेगा तो। हाँ हाँ तो दे दो, अगली बार जब जहर खाएगी ना तो सीधा ऊपर जाएगी और इसका बेवड़ा पति सब कुछ बेच बाच के दारों में उड़ा देगा। भाभी मेरे पति के बारे में कुछ मत कहना, वो इंसान तो देवता है देवता। जहर खाने के बाद उन्होंने मुझे पूरा एक पौवा पिला के ना उल्टी करवाई थी, तभी तो मैं जिंदा हूँ भैया। कौन सा ब्रांड पिलाया था? अरे तुम भाई हो या क्या हो, शर्म वरम मारी है, तुम्हारी बहन ने दारू पी है और तुम उसे ब्रांड पूछ रहे हो। क्यों शोर मचा रखा है, चलिए 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 छुट्टी हो गई आपकी, बहुत शोर मचा लिया आपने यहाँ। पर मैं पर कुछ नहीं, चलिए
आप अनपढ़ गवार दिख तो नहीं रहे हैं, पर बातें अनपढ़ गवार वाली हैं आपकी। इतना शोर मचा रखा है हॉस्पिटल में। ए डॉक्टर, धीरे बात कर। एक मिनट में सस्पेंड करवा दूंगा तुझे। मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे। अरे भाई साहब कांपते होंगे, उधर बराबर वाले वार्ड में दो लोगों का आपके चिल्लाने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। अभी ईसीजी के लिए भेजा आपकी वजह से। चिल्लम चिल्ली, अरे आपको हमने टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर दिया था, कहाँ है वो? हाँ हाँ कर लिया। सुशीला दे जरा थर्मामीटर, दिखा दे इनको बुखार, ये लो। अरे ये तो ऑन ही नहीं है। अरे तो डॉक्टर आप है या मैं, मुझे क्या पता ऑन करना होता है। आपने कहा टेक चेक कर लो तो मैंने दे दिया। तो हमने आपको दिया था, आपको ऑन करना चाहिए था ना। और चलिए बहुत हो गया आपका, यहाँ से ऑफ होइए आप सब। यहाँ से ऑफ होइए? ऑफ होइए का क्या मतलब है? काउंटर पे 55,000 रुपए दिए हैं, ऐसे कैसे ऑफ हो जाए? देखिए जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये हॉस्पिटल भी खाऊ है और इनके डॉक्टर भी खाऊ है। खाऊ? आपकी बहन ने जहर खाया है और हम कोई खाऊ वाऊ नहीं है। और चलिए आप यहाँ से, बहुत हो गया आपका। हेलो हेलो हेलो, ये मेरी बहन नहीं है। ए तुम चुप करो, और जब तक मेरी बहन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। अरे इनके लड़ने की आवाज नीचे पार्किंग तक आ रही है, और कितना ठीक करे इन्हें। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूँ। सुशीला तू चल, योगी जी से फोन करके इस अस्पताल पे शाम तक बुलडोजर ना चलवा दिया तो मैं एक ग्राम विकास अधिकारी नहीं। चल चल सुशीला। अरे डॉक्टर साहब, इस आदमी को योगी जी और मोदी जी के ऊपर पढ़ना आता ही नहीं है। अरे बुलडोजर तुम्हारे मामा का है, रुको जरा एक मिनट सुनो, कहाँ जा रहे हो? चलिए आप भी चलिए, बहुत हो गया। डॉक्टर मेरे भैया ना सीधे हैं, पर मैं ना टेढ़ी हूँ। जब तक आप 55,000 में से 25,000 वापस नहीं करोगे ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। अच्छा आपको 25,000 चाहिए? हाँ अभी देते हैं आपको 25,000। ये क्या 25,000 जैसा तो दिख नहीं रहा। ये है इंजेक्शन बेहोशी का। डॉक्टर मुझे लगता है मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। अरे 55,000 दे, ये तो लेके चली जाती हूँ मेरे भैया के 55,000। भैया रुको मैं आ रही हूँ।